खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छोपरी कहीं के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन हो अब आपके लिए गाना गा देगा कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह तक ते। अब हम कोई गाना आता नहीं है, पर गाना काहे गाए हैं क्योंकि मीना कुमारी जी की खबर लेकर आए हैं। आपको पता है का, मीना कुमारी जी खुद कही थी एक इंटरव्यू के दौरान कि फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, डॉक्टर या वकील बनना चाहती थी। अब का कही थी और का था पूरी बात, का था पूरा मामला, आपको दिखाते हैं खबर में। चलिए, क्या मीना कुमारी नहीं आना चाहती थी फिल्मी दुनिया में? कहाँ जाना चाहती थी मैं, स्कूल बनना चाहती थी, डॉक्टर या वकील? जी हाँ, मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। मीना कुमारी को बचपन से ही अपने जीवन में कई स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को कलाकार अली बख्श और इकबाल बेगम के घर हुआ था। जब मीना सिर्फ 4 साल की थी, अली बख्श उन्हें स्टूडियो ले जाने लगे और उनके लिए काम मांगने लगे। बता दें, उनसे एक बार पूछा गया था कि क्या इसके कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ये पूरी तरह सच है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाने के बजाय वे फिल्म स्टूडियो गई और ये उनकी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने मुंतखब नहीं किया, ये समझिए कि हालात ने मुंतखब कर दिया। मैं खुद चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊँ, पढ़ू लिखू, डॉक्टर बनू या वकील बनू या कुछ भी बनू, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे एक फिल्म एक्ट्रेस बना दिया। बता दें कि मीना पहली बार विजय भट्ट की लेदर फेस में दिखाई दी थी, जो 1939 में रिलीज हुई थी, जब वह 6 साल की थी। यह विजय भट्ट ही थे जिन्होंने अपने 1940 के ड्रामा एक ही भूल की फिल्मिंग के दौरान उनका नाम महजमीन बानो से बदल कर बेबी मीना रख लिया था और उन्हें पहली बार मीना कुमारी के नाम के साथ बच्चन का खेल 1946 में कास्ट किया गया था। मार्च 1972 में 38 वर्ष की एज में अपनी अकाल मृत्यु के समय तक मीना ने लगभग 34 सालों के करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी मृत्यु लीवर सिरोसिस से हुई थी। मीना की मृत्यु के बाद उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस नरगिस ने उनकी मृत्यु पर बधाई देते हुए एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने इसे कठिन जीवन से उनकी स्वतंत्रता के रूप में उद्धृत किया। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो कछु ई तरीके से मीना कुमारी जी कही थी अपने जीवन के बारे में। अब आपके इस पर का ख्याल है और आप का कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल जाते हैं और लेकर आते हैं नई खबर, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।